नमस्कार, मैं साक्षी श्रीमान, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। जनपद के प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री राजस्व अनूप प्रधान मैनपुरी पहुंचे, जहां कलेक्टर सभागार में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। गन्ना किसानों का भुगतान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। गेहूं और धान का क्रय लगभग 568 लाख मैट्रिक टन खरीदने का काम किया, जिसके सापेक्ष में 1,04,000 से भी अधिक का भुगतान किया गया। हमारी सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो और संचालित हो, और सरकारों की अपेक्षा हमारी सरकार औरों से बेहतर कार्य कर रही है। जिले में अगर कोई कमी मिलती है तो हम सब मिलकर उसको दूर करेंगे। हम सब जनता के लिए बने हैं। हम सब लोग जनता को बेहतर करने का काम करेंगे और जनता को परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। 2017 की बात करें, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अच्छा करने का प्रयास किया है। जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता का निर्णय था कि 2014 में जनता जनार्दन के सहयोग से आए, 19 में भी फिर भी बने और 22 में फिर चुने गए। जनता की अदालत है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने को लेकर कहा, कानून का काम कानून को करने दो। न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भी कई सदस्यों की सदस्यता अभी गई है। राजकुमार सैनी की सदस्यता भी गई है। न्यायालय के निर्णय पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। अगर कहीं लग रहा है जो हमारे पास बैठा है, हमें अपनी बात तो वहां रखनी चाहिए। हमें उसे तूल देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 334 MLA आजम खान की भी सदस्यता समाप्त हो गई है। राहुल गांधी की भी सदस्यता समाप्त हो गई है। कानून का अपना काम है, कानून अपना काम किया। उनको 2 साल की सजा हुई है, उसमें जो उनका प्रावधान है वह तो न्यायालय पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। 2019 से बड़ा नहीं हो सकता। जहां तो बड़े विपक्षी दल सपा और बसपा को एक हो गए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। भारतीय जनता पार्टी का जनता के साथ है, जिसका जनता के साथ गठबंधन होता है, विरोधी दल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूर्व की भांति 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। मैं भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 334 MLA आजम खान जी की सदस्यता समाप्त हुई है, तो राहुल गांधी जी की भी हो गई। जो कानून का अपना काम है, तो कानून ने अपना काम किया। उनको 2 साल की सजा हुई है, उसमें तो जो उसका प्रावधान है वो तो उसमें पनिशमेंट हुई है, तो निश्चित ही होगा। सैनी जी रहे हैं जी, हमारे वहाँ से हमीरपुर से MLA थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई है। सेंगर जी थे, उनकी खत्म हुई है। आजम खान जी की हुई है, तो राहुल जी की भी हुई है उसी क्रम में। तो मैं समझता हूँ इस पर जो है माननीय न्यायालयों पर हम सबको विश्वास रखना चाहिए और अपनी बात जहाँ कहनी है। अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पर, देखिए निश्चित ही वो क्या कह रहे हैं वो उनका काम है, पर जयवीर मंत्री जी हमारे हैं और निश्चित पूरी निष्ठा और उसके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया और उसी की वजह से वो सरकार में, तो निश्चित इस तरह की कोई बात नहीं। उनका अपना वक्तव्य, वो क्या कह रहे हैं वो उनका। 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए 24 आप सब और हम सब जानते हैं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हम 73 सीटें आप सबके सहयोग से जनता, इन इस महान उत्तर प्रदेश की जनता की वजह से हम सब लोग 73 सीटें जीतने का काम किया। उसके बाद में 2017 में चुनाव हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती। उसके बाद में 2019 में चुनाव हुआ। मैं समझता हूं इससे बड़ा गठबंधन मेरी नज़र में तो नहीं हो सकता। जहां जो दो मुख्य विपक्षी दल थे दोनों एक हुए, सपा बसपा और लोकदल भी एक हुआ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ है। और जिसका जनता जनार्दन के साथ गठबंधन होता है, मैं समझता हूँ ये जो विरोधी दल है कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मैं समझता हूँ पूर्व की भांति जैसे हमारा 14 में परफॉर्मेंस रही है और क्या नाम है इसमें 19 में रही है, मैं समझता हूँ उससे भी बेहतर। मैं समझता हूँ कि 80 से 80 सीटें अब के हम लोकसभा की यहाँ जीतेंगे, ऐसा मैं। अभी तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से की है, तो हमें जनपद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी समीक्षा बैठक की जाएगी, उसमें जो भी इश्यूज निकल के आएंगे मैं आपके सामने फिर पेश हो जाऊंगा और जो भी इश्यूज होंगे उनके बारे में। राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए कानून का काम कानून को करने दो, ठीक है। माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए इसमें कोई दोरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई सदस्यों की सदस्यता अभी गई है। राजकुमार क्या नाम, हमारे सैनी जी हैं जो विधायक जी थे, उनकी सदस्यता खत्म हुई है, चुनाव हुआ है। तो मैं समझता हूं कि माननीय न्यायालय के
निर्णय पे हम सबको किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और अगर कहीं लग भी रहा है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमें अपनी बात वहां जाकर के रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूं इसको बहुत ज़्यादा जो है तूल देने की कहीं आवश्यकता नहीं। पूर्व में भी इस तरह के उतरे, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो निश्चित इस तरह का मेरे हिसाब से कोई वो नहीं करना चाहिए। विरोधी परिवार से आए, निश्चित हमारा प्रयास होगा कि हम अच्छा करें, कहीं कोई कमी हो रही तो निश्चित उसमें सुधार करेंगे। और मैं आपसे व्यक्तिगत भी बैठ लूंगा, अगर कोई ऐसे इशूज हैं जो आपके पास है हम उसमें अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने अधिकारियों से भी ये कहना चाहूंगा और कि हम सबको मिलके, हम सब जनता के लिए बने, जनता की सहूलियत के लिए हम जितना अच्छा कर सकते हैं हम सबको मिलकर के शासन प्रशासन को उतना अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित ऐसा कोई दो राय, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जनता को परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। अगर 17 से पूर्व की हम तुलना करें तो निश्चित हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर क्षेत्र में सरकार ने अच्छा करने का प्रयास किया है। और देखो, जनता से बड़ा कोई भी नहीं होता, ये जनता के तो निर्णय के 14 में जनता जनार्दन के सहयोग से हम केंद्र में आए, 17 में चुनाव हुआ फिर सरकार बनी, और क्या नाम 19 में फिर चुनाव हुआ तो जनता की कृपा से फिर बने, और अब 22 में फिर जनता ने। तो ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो निश्चित फिर भी आप जो कह रहे हैं हम उसको संज्ञान में लेकर के कहीं कोई खामी है तो उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बधाई। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए ASB न्यूज़।